नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। और आज यहाँ भारी मात्रा में जो है नकली शराब पकड़ी गई है और किस तरीके से शराब का खेल चल रहा है। लगातार पुलिस और तमाम प्रशासन की कोशिश के बावजूद भी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। हम चलते हैं, दिखाएंगे आपको कैसे जो है पूरा नेक्सस चल रहा है। एक तरफ पुलिस जो है, जो डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट हर दिन हज़ारों बोतल पकड़ती हैं शराब की, लोग भी पकड़े जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी शराब माफियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जगह से पकड़े जाते हैं, फिर सेम जो है नेटवर्क खड़ा हो जाता है। कैसे ये गिरोह चलता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले हम आपको नकली शराब दिखाएंगे कि हालांकि इतनी भारी मात्रा में शराब कहाँ से, केवल एक जिला से इतनी शराबें पकड़ी जा रही। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब जो है अच्छी से अच्छी ब्रांड की शराब यहाँ पर पकड़ी जाती हो, उदेशी शराब हो या जो भी हो। पुलिस के लाख कोशिश करने के बावजूद या फिर कमी कहाँ रह जाती है, इन तमाम कारणों को जानेंगे और देखेंगे। और जो लोग पकड़ाएं उनसे भी बात करेंगे, आज की इस शराब पूरे शराब के खेल के पीछे कौन लोग। तो आइए पहले हम बात करेंगे। पहले आप बोतल देखिए, हर तरह की यहाँ पर बोतल ब्रांड एकदम, और सब ब्रांडेड शराबें हैं, आप उसको दिखाइए। और इसकी काउंटिंग हो रही, गिनती हो रही है। और इसके साथ एक व्यक्ति को भी लोगों ने पकड़ा है। हम पूछेंगे, आइए। हमारे साथ जो है साइज इंस्पेक्टर है और इन्होंने छापेमारी को लोगों ने अंजाम दिया। पूरी टीम यहाँ दिख रही होगी, कहाँ से पकड़ी गई है और कितनी बोतल अभी तक, कितने पेटी आप लोगों ने पकड़ा है। ये हम लोग को सूचना मिल रही थी कि एक जगह अवैध शराब का सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग सुंदरनगर थाना के हितपुर के गांव में छापामारी किए और 103 पेटी सेल फोर अरुणाचल प्रदेश का शराब हम लोग पकड़े और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब व्यक्ति और यहाँ से लाई जा रही थी और इनमें कौन कौन शामिल है, इस कार्रवाई की। क्या अभी तक कोई जो है सुराग मिल पाया किस तरीके से आता है? इसलिए कि जब शराब आई होगी तो एक दो पेटी नहीं आई होगी, या तो ट्रक से आया होगा, तो रेल से तो आने की कोई सवाल ही नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश की शराब है। तो ये कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। इसका कहना है कि कभी ऑटो में, कभी पिकअप में हमारे यहाँ कोई और, तो कोई ना कोई सप्लाई करता होगा, कोई बड़ा गिरोह होगा, अलग अलग जगहों पर लाकर देता होगा। हाँ, तो उसका मतलब जो है, मतलब कौन कौन शामिल है, इसकी हम पूछताछ कर रहे हैं और सबसे मतलब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मेरे कहने की कोई हर रोज जो है, कभी आप लोग देशी शराब की बढ़ती ये करते हैं, कभी विदेशी शराब, कभी नकली शराब, इस तरह के पकड़ते हैं, लेकिन जो मेन नेक्सस है वो नहीं पकड़ में आती, क्या कारण है? अपराध का पैटर्न बदल रहा है, करवाता कोई है, सामने कोई और रास्ता है, इसमें भी ये कोई न कोई लोग शामिल होंगे। पहले भी इस तरह की हम लोग कार्रवाई किए हैं और कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, मैन पावर कम है, इसलिए हम लोग CID को सौंपे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो इस केस को भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। इसके पीछे कौन है, इसका पता लगाने नहीं, इसलिए कि आप लोग पहले भी कई बड़ी कार्रवाई की है, ठीक है, लेकिन जब भी पकड़ा जाता है कोई एक आदमी सामने आ जाता है, लेकिन जो मेन ये रहता है वो कभी नेक्सस जो रहता है, जैसे आपने कहा कि जैसे इन्होंने बताया कि ऑटो से हमें सप्लाई होता था, लेकिन इतना बड़ा शराब तो कहीं ना कहीं बड़ा कोई गिरोह लेकर आता होगा, कहीं कोई और होगा, लेकिन हमारे स्टेट में, मतलब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है, यही लोग खो रहे हैं और इनके पीछे अगर कोई होंगे या मतलब, तो उनका पता लगाया जा रहा है। अभी तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएंगे। आज कितनी मतलब यहाँ पेटियाँ, कितनी पेटी? 103 पेटी है। अच्छा, और 917 लीटर अगर कन्वर्ट किया जाए तो 917 लीटर पकड़े गए। चलिए ठीक है भाई, आप पकड़े गए हैं, बताओ कि सब कुछ आप ही करते थे, किस तरीके से? हम रखते थे, आज रखते थे। तो शराब मिलता कैसे, कहाँ से, कौन लगे थे कैसा कुछ? ना ना, हम तो खाली भाड़ा के माध्यम से रखते हैं, मतलब आपका घर, मतलब भाड़े? हाँ, मैंने पैसा मंथली पैसा देखे, हम रखते तो आके लेंगे। तो आपको नहीं पता था कि इतना ये सब रख रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी? ना ना, इस सब पता तो होगा ना कि शराब कहाँ आ रहा? ना ना, तो हम रखते तो आता था, हम रखते थे, जो रखकर रखवाता था ले जाता था। कैसे माल कैसे लेकर आता था? गाड़ी से, टेम्पू से, ट्रक आता था? ना, टेम्पू, टेम्पू से आता था। जो लोग थे उनका ना भी नाम आपने नहीं बताया? तो ये इनको पुलिस ने पकड़ी है, लेकिन इनके घर से पाया गया है, इनके घर से इन्होंने जब्त किया, जैसे कह रहे थे कि भाई हम केवल भाड़े पर दिए थे और इसलिए रखते थे यहाँ पर, लेकिन
ये हर बार होता है, इसलिए कुछ दिन पहले आपने देखा था कि शहर के अंदर भी पकड़ा गया था, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि भाई हम तो भाड़े पर घर दिए थे, हमें ये पता नहीं था। इसलिए कि इतना बड़ा नेक्सस काम करता है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ के बारे में पता नहीं क्या सच्चाई है, वो तो पुलिस बता पाएगी। लेकिन ये है कि जहाँ पर शराब जो है, यहाँ पर जबकि शराब पर रोक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जो नकली शराब पर अंकुश लगाना सरकार के लिए बड़ी ही एक मुश्किल चैलेंजेस हो रहा है। पैरेलल जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि एक तरीके से सरकार ने अपनी व्यवस्था बनाई है, सरकारी दुकानें खुले हैं हर जगह पर, लेकिन इसके बाद भी उससे ज़्यादा कहीं आप देखिए, लेकिन हर एक या दो दिन में एक इतनी भारी मात्रा में शराब पकड़ी जाती है, और इससे कहीं देसी शराब भी पकड़ी जाती है। कई बार भट्टियाँ को जो है भट्टियों को नुकसान पहुँचाते हैं, उसको ध्वस्त करते हैं, हजारों लीटर जो है पकड़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जो शराब की जो नेक्सस है या नकली शराब, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अपने सहयोगी विनोद के साथ सुशील भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ 4।